Hi guys, today I'm eating a doodh poha and it's so yummy. It's obviously made by my mom, so if you want to know how it's made, then keep watching. दूध पोहे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए दूध, और ये मैंने दूध लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने सैफ्रन डाल के रखा है, और अब हम इसको माइक्रोवेव में गर्म करने वाले हैं। जिसके पास माइक्रोवेव नहीं है वो गैस पे भी गर्म कर सकता है। ओके, लेट्स गो। अब देख सकते हो मैंने इलायची और थोड़ा सा जायफल आता है वो लिया है, अप्रोक्सी 10 इलायची ली है और थोड़ा सा जायफल लिया है। इसको मैं पहले अच्छी तरह से कूटने वाली हूँ। और उस अब हमने थोड़ी सी आलमंड ली है, पिस्ता लिया है और काजू लिया है। आपको ड्राई फ्रूट डालना हो तो डाल सकते हो, नहीं डालना हो तो नहीं डाल सकते, और जिसको बहुत ही कम डालना हो तो भी नो प्रॉब्लम। ओके, आप अपने हिसाब से ये डाल सकते हो। इसको मैं दरदरा थोड़ा पीस दूंगी, फिर हम इसको मिल्क में ऐड करने वाले हैं। अब देख सकते हो गाइस, केसर का भी बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और सब अंदर अच्छी तरह से घुल मिल गया है। दूध ऑलमोस्ट अच्छी तरह से उबल गया है। अब मैं इसमें ये इलायची का पाउडर भी डाल रही हूँ। जायफल इलायची का पाउडर है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये आप देख सकते हो कि नेशनल का भी आता है, रेनबो का भी स्वीट कंडेंस मिल्क है, वो मैं डालने वाली हूँ। आप देख सकते हो इसको मैं खोल रही हूँ। ये मैं शुगर नहीं डालने वाली हूँ, मैं ये ही डालूंगी, इससे अच्छी मिठास आ जाती है और इससे टेस्ट भी एकदम यमी आएगा। इसको हम अभी टेस्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि प्रसाद के लिए निकालना पड़ेगा, पर मैं एप्रोक्सी भी डाल रही हूँ, बट आई थिंक ओके ही है, इतना इनफ रहेगा क्योंकि मैं हर बार बनाती हूँ इसलिए मुझे मालूम है। अभी ये ठंडा कंडेंस में डाला है हमने, इसलिए पोहा ऑलमोस्ट जो इतना गर्म था वो ठंडा हो चुका है। दूध थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया है, तो अब मैं इसमें आप पोहे मैंने छान के रखे हुए हैं वो मैं डालने वाली हूँ। यदि आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप दूध को थोड़ा ज्यादा उबाल ले तो क्या थोड़ा थिकनेस आ जाएगा मिल्क में, तो टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा। बहुत ज्यादा मोटा भी मत कर देना, नहीं तो ये सोखेगा नहीं पोहे। और इसको भी हमें एप्रोक्सी डालना पड़ेगा क्योंकि कोई पोहे ऐसे होते हैं कि ज्यादा सोख लेते हैं मिल्क को, और कोई ऐसे होते हैं कि ज्यादा नहीं सोखते, इसलिए हमें इसको एप्रोक्स से ही डालना है। थोड़ी देर बाद आप देखो इतना सोखा है उसने, उस हिसाब से थोड़े बहुत आपको ऐड करने हैं तो आप आधा एक घंटे के बाद ऐड कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी हमें इसको रात को 12 बजे के बाद खाना है, तो आपको अप्रोक्सी आइडिया तो आ ही जाएगा कि कैसा है। ओके, थोड़ा मैं और डाल देती हूँ। और गाइस, इसके लिए हमें मोटा पोहा चाहिए। हाँ,
भूल से वो पतले वाले पोहे मत ले लेना। एक्चुअली आज शरद पूर्णिमा है, वो लक्ष्मी जी का बर्थडे होता है सही मायने में, तो उसके सेलिब्रेशन में हम ये स्वीट बनाते हैं लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए। और इसको हम जो चंदा मामा होते हैं उनके प्रकाश में रखते हैं, जिससे क्या है कि जितनी भी चांदनी हो वो उसमें मिल्क में एब्जॉर्ब हो जाए, और उसको खाने से अपने बॉडी में भी बहुत एक अलग प्रकार की शीतलता फीलिंग होती है, ठंडक होती है। इसका एक ट्रेडिशनल रूल है कि उसको चांदनी में हम इसको दूध पोहे को रखते हैं प्रसाद के रूप में, और फिर रात को गरबा फिनिश होता है उसके बाद ही हम इसको खाते हैं। अब हम इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो पोहे सोख लेंगे सब दूध, और मिलते हैं बाद में। हाँ फ्रेंड्स, अब अपने दूध पोहा रेडी हो चुके हैं और एकदम परफेक्ट बने हैं जैसा मुझे चाहिए था। मुझे बस इतना ही दूध और पोहा चाहिए। कभी कभी क्या होता है, किसी को दूध ज़्यादा पसंद होता है, पोहा कम पसंद होता है, और कभी किसी को पोहा ज़्यादा पसंद है तो दूध कम है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा दूध ज़्यादा कम कर सकते हो। ओके, अब हम इसको सर्व करेंगे और प्रसाद रखेंगे भगवान का, तो आप देख सकते हो कितने अच्छे दिख रहे हैं ना। यस, डेलिशियस स्वीट डिश, यम। हाँ गाइस, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो, मेरी चैनल को, वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, कमेंट करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, खुश रहो, हंसते रहो, बाय।